सो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक और डार्क ऑफ सीजन 2 की वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने यार कल में मेरे 1K व्यूज़ हिट कर दिए, तो यार आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। तो फ्रेंड्स, मैंने आज फिर से वीडियो लेके आ गया हूँ। तो आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं, सबसे पहले यार नेम टैग आप लोगों को मेरे हाथ में दिख रहे होंगे, तो मैं यार अपने घोड़े का नाम देने वाला हूँ, साथ साथ अपने जो फॉक्स का उसका नाम देने वाला हूँ, और आप लोगों के लिए और मस्त सरप्राइज है। जिन जिन ने नेम लिखा था उन सबका कुछ भी मतलब जो टाइपिंग है एंड कमेंट्स है वो मतलब वेस्ट नहीं होने वाला, उन सबका यूज़ होने वाला, तो वो सब मैं आप लोगों को बताऊँगा। बट यार फ्रेंड्स, हमारे 1K सब्सक्राइबर हिट होने वाले हैं, तो प्लीज यार जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, जिससे यार लाइव स्ट्रीम रेगुलर आना चालू हो जाएगी। और साथ साथ अगर वीडियो पे आप लोगों ने लाइक नहीं करा तो प्लीज यार आज मैं फिर से कह रहा हूं कि आप प्लीज यार 200 लाइक्स कंप्लीट कर दो यार, क्योंकि यार देखो कल वाली वीडियो में अभी तक नहीं हो पाए जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये वाली, ठीक है। तो प्लीज यार इस वाली वीडियो में 200 लाइक्स कंप्लीट कर देना यार आप लोगों के दोस्त का वो है, ठीक है। सो चलो यार हम अपना वर्क आज का चालू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले यार अपना एनविल रख देते हैं। यार एनविल यार बहुत सारे लोग मेरा यूज़ कर लेते हैं, जिस वजह से मैं ऐसे नहीं रख रहा था। तो सबसे पहले अपने यार घोड़े का नाम रखेंगे, तो यहाँ पर स्टाइलिश में रखने वाला हूँ, और चूंकि मुझको सबसे मस्त कलर लगता है तो यहाँ पर होंगे येरा यस, एंड इसको थोड़ा सा बोल्ड करेंगे हम, एंड इसको लिखेंगे अब टाइसन। तो भाई ने यार स्पेलिंग गलत लिख रखी थी, बट कोई नहीं, यहाँ पर मैंने टाइसन ही लिखा है ना। ओके, यहाँ पर फाइनली एम लगा देता गलती से। तो यहाँ पर टाइसन नाम रखने वाला है अपने घोड़े का, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओपी लगने वाला है मुझे। तो यार थैंक्स यार हमारे भाई का नाम, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, अमन भाई हैं शायद से, ठीक है। तो यहाँ पर इनको भाई को नाम दे देते। अरे भाई रुक। ओके, तो यहाँ पर भाई फाइनली हमारे टाइसन का एक नाम आ चुका, तो यार बहुत ही प्यारा नाम लगा, तो यार थैंक्स भाई को बताने के लिए। और एक और भाई ने यार नाम बताया था हमारे मतलब फॉक्स का, तो उसका भी नाम रखते हैं हम। यहाँ पर सिंपल इसको यहाँ पर हटाते हैं एंड इसको रखते हैं, एंड यहाँ पर उस फॉक्स का नाम मैं ऑरेंज से रखने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ओपी होने वाला है। एंड यहाँ पर 5 है आई थिंक, ओके 6, ओके फाइनली यहाँ पर 6 है या 7 है, आई थिंक 6 ही है, तो कोई नहीं यहाँ पर 6 पे करते हैं। एंड यहाँ पर इसको करते हैं, एंड यहाँ पर लिख देता है इसका नाम चिक्कू। तो यहाँ पर ये भाई ने नाम लिखा था चिक्कू, तो ये बहुत ही प्यारा नाम लगा मेरे को, तो इसका नाम ये रखने जाते हैं। तो चलो यार अपने चिक्कू का नाम रखते हैं। ओके, तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी, ओके फाइनली यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ, एंड चिक्कू भाई यू आर कमिंग इन। अरे यार तो भाग जाएगी यार, इसका डर लग रहा है। कैसे यार कैसे, आई थिंक मेरे को ऊपर से करना पड़ेगा जुगाड़ पानी लगा के, या फिर जल्दी से क्राउच करके वो कर देता हूँ मैं, जिससे उसको वो ना लगे। ओके फाइनली, और नहीं चिक्कू नहीं। अरे यार ये भाई यार स्कैम हो गया मेरे साथ। वेट, वो तो क्या अब क्या आएगी, चल नूबड़ी। ओके भाई फाइनली स्कैम से बच चुका हूँ मैं, कोई नहीं। बाकी यार आज मैं क्या करने वाला हूँ आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले मैं अपना बार्टरिंग फार्म बनाने वाला हूँ, जो कि शॉप में यूज़ होने वाला है। साथ साथ ये विलेजर्स को तो मैंने वैसे बना रखा है जैसे लाइक मम्मी एंड डैडी, इनके लिए आज मेरे को रूम भी बनाना है। तो मैं सोच रहा हूँ यार या तो इस साइड बनाऊँ, या फिर पता है इसको पीछे का पूरा हिस्सा गायब करके मतलब इसको और पीछे ले जाऊँ, जिससे और ओपी लगे। तो यस वो करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यार मेरे को नैदर में जाना पड़ेगा, और नैदर में मैं बार्टरिंग फार्म का पूरा सिस्टम करता हूँ, और फिर आप लोगों को मिलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी अपना चलते हैं और सीधा आप लोगों को नेदर में मिलते हैं। और नेदर में एक और सरप्राइज आप लोगों के लिए है, जो कि मैंने बताया था कि आप लोगों का नाम जो है वो मतलब वेस्ट नहीं होने वाला। तो चलो यार नेदर में आप लोगों को मिलते हैं सीधा। सो फ्रेंड्स, फाइनली यार मैंने बार्टरिंग फार्म बना लिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक बंदे को कैप्चर कर रखा, और प्लस यहाँ पर भी एक बंदे को कैप्चर कर रखा है, एंड यहाँ पर दो मैंने स्लॉट खाली रखी है, क्योंकि गाइज मेरे पे स्टफ जो है वो खत्म हो चुका है। एंड यहाँ पर मैं अभी घर से फिर से बना के लेके आया हूँ। एंड यार मैं रिकॉर्डिंग यार ऑन करना भूल गया था लिटरली, पता नहीं कैसे, बट अब भूल गया। वैसे अभी हो रही है ना, ओके फाइनली अभी हो रही है, तो मैं लिटरली भूल गया था, जिस वजह से समझ सकते हो। सो यहाँ पर मेरे को फिर से देख लो आप लोग, ये सिंपल बिल्कुल है यार, दो चेस लगाना है, एक हॉपर लगाना है, एंड यहाँ पर कंपनसेटर बिल्कुल हॉपर के इस साइड से लगाना है, जो फेस उसका इस साइड होना चाहिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और जैसे कि मेरे को यहाँ पर भी करना है, एंड इसको भी कर देता हूँ जल्दी से जल्दी, इसको इस फेस की साइड लगाना है। ओके, यहाँ पर ये भी हो गया, एंड एक ये वाला रह रहा था, तो इसको यार अबे इसको कैसे लगाऊंगा, अबे यार लोल हो गया मेरा, कोशिश करता हूँ क्या पता मैं लगा पाऊँ। ओके फाइनली ये भी लगा दिया मैंने, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर दो बंदों को पकड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है, और आप लोगों को बता देता हूँ कैसे करना पड़ता है। सिंपल यार आप लोग जैसे है गोल्ड आप लोगों को इसके अंदर फेंकना पड़ता है, और यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कैसे, या तो आप लीवर लगा सकते हो, या फिर रेस्ट ऑन ब्लॉक का यूज़ करते हो। रेस्ट ऑन ब्लॉक अगर आप लोग इस पर लगाते हो लाइक दिस, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को ऐसे जस्ट सिंपल, एंड यहाँ पर इसको कितना भी फेंक दो यार वो तो तुम्हारे हो, देखो तो ये लोग नहीं, ये नहीं जाता, बट जैसे अगर आप लोग इसको तोड़ते हो तो वो अपने आप चला जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो सारा का सारा एक बार में गायब हो चुका है। सो ये इजी ट्रिक था, जो कि आप लोग भी यूज़ कर सकते हो, तो मैंने यही यूज़ किया है, जिससे यार मेरा इजी पीसी हो गया था। बाकी यार दो मेरे को मिले, बाकी यार देखो आप लोग इसका नाम अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मैं कैसे दिखाऊँ,
भाई नाम दिख जा। तो गाइज ये नाम तो इसका दिख नहीं रहा, बट मैं बता देता हूँ इसका नाम कटप्पा रख रखा है मैंने, एंड इसका नाम चूना लाल रख रखा है। पता नहीं बट मेरा मन कर रहा था इसका नाम चूना लाल लगा दूँ। तो यस गाइज मैंने इसका नाम चूना लाल रख रखा है नाम, ठीक है। तो जो कि मुझे नहीं पता मैंने क्यों रखा है इसका नाम, बट इसका नाम कटप्पा है और लिटरली बता रहा हूँ यार सच्ची में। और ये यूज़ कैसे होता है देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर एक बटन लगा रखा है, वहाँ पर सिंपल आप लोगों को थोड़ा बहुत गोल्ड डालना पड़ता है, जो कि मैं यहाँ पर आप लोगों को डाल के दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पर जस्ट आप जैसे क्लिक आउट करोगे सो गोल्ड जाएगा एंड क्या करेगा इसको ये सीधा को मतलब पकड़ा देगा। और गाइस अगर मैं इसमें और गोल्ड रख देता हूँ जैसे कि यहाँ पर, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली गोल्ड उसको दे देगा जैसे ये गोल्ड में से सामान जो भी गिराएगा। देखना तो यहाँ पर इसने देखो सामान गिराया, अब वो सारा सामान जैसे चेस्ट में हमारा जाएगा तो ये जो कंपेसिटर है उसको भाई वो मतलब देगा, जो भी उसे कहते हैं मतलब साइन देगा कि भाई वो हो गया, तो वापस वो गोल्ड भेज देता है नीचे। तो ये बहुत ओपी ट्रिक है जो कि आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर खाली चेस्ट दिखा रहा हूँ मैं, तो ये देख सकते हो ये मेरा ग्राइंड है जो कि बहुत ही ज़्यादा ओपी लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर इसने क्राइंग ऑब्सीडियन दिया, अच्छी बात है। बाकी मैं यहाँ से जितने भी एंडर पल है वो लेके जाने वाला हूँ। मैंने ग्राइंड करा था पहले बता देता हूँ, या आप लोग सोच रहे हो कि सिर्फ रख दिया, तो गाइस नहीं, तो यहाँ पर जितना भी है मैं ये सब लेके जाता हूँ। वाटर बकेट नहीं है एंड सोल स्पीड 1 मिली है, कोई नहीं। बाकी लेदर ले लेते हैं एंड स्टोन ब्रिक्स का काम आने वाला है, बाकी ये सब जो है हम अभी रख देंगे बाद में उठाएंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर ये भी है, ये काम का जो जो काम का ना उसको तो लेके जाता हूँ मैं, क्राइंग ऑब्सीडियन भी काम का है एंड ग्रेवल बाद में आके ले जाऊंगा मैं अपनी शॉप के लिए, ठीक है। सो ये था बार्टरिंग फार्म जो कि इजी है। और मैंने यार सॉरी यार, वैसे यार अगर आप लोगों को ट्यूटोरियल देखना हो तो आप लोग यार देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा अगर आप लोगों को चाहिए होगी उस बार्टरिंग फार्म का जहाँ से मैंने मतलब देख के टपाया है, ठीक है ना। तो कोई नहीं, बाकी यार चलते हैं यार, मिलते हैं। बाकी ये सब तो काम हो चुका है हमारा जो शॉप के लिए, बाकी अब हम वर्क करने चलते हैं अपने यार रूम को, चूँकि स्टोरेज रूम या फिर बोल सकते हैं विलेजर रूम, उस पर वर्क करने चलते हैं। बाकी इन दोनों को मैं बाद में फिट करूँगा, ठीक है गाइस। तो लेट्स रेडी एंड चलते हैं अपने सीधा अपने होम पे एंड वर्क स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने ये सस्ता टाइम लैप्स देखा है, बट अब मेरे को जाना पड़ेगा नैदर में, क्योंकि यार नैदर की थीम मैंने सोच रखी इस वाले जो मैं ये ब्लेजर का जो रूम बना रहा हूँ इसमें मैं नैदर की थीम डालने वाला हूँ। तो उसके लिए मेरे को क्रिम्सन फॉरेस्ट जाना पड़ेगा प्लस निजलियम फॉरेस्ट जो भी कहते हैं उसमें जाना पड़ेगा। तो अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मेगा टाइम लैप्स, जैसे कि मैंने उसमें दिखाया था अपनी शॉपिंग में, ठीक है ना। तो वैसे टाइम लैप्स आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चलो गाइस अब हम आप लोगों को लेके चलते सीधा नैदर में। Thank you.
सो फ्रेंड्स, हम वापस आ चुके हैं नेदर से, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और आप लोगों को दिखाया था स्टफ कौन कौन सा मुझे मिला है नेदर से। तो यहाँ पर मैं लेके आ चुका हूँ वो सारा का सारा स्टफ। तो ये मैंने वो ग्राइंड कराया, पर पता नहीं यार बहुत ही कम मिला यार वुड। मेरे को लग रहा है मैं तभी इसलिए अपने साथ फंगस ले आया, वेब फंगस एंड क्रिम्सन फंगस। तो यस, तो ये बहुत अच्छी वाली बात है, जिससे हम यार अपना ये भी करेंगे, इन सबको भी बढ़ा देंगे। तो ये ओवरवर्ल्ड में करूँगा ये सब चीज़ें मैं, ठीक है। तो अब मैं इन सब का आप लोगों को जल्दी जल्दी ये लगा कर आप लोगों को मिलता हूँ, क्योंकि यार देखो पता है ना आप लोगों को, मेरे को वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करनी होती, तो इन सबको पहले मैं लगा के सीधा आप लोगों को डायरेक्टली मिलता हूँ। सो फ्रेंड्स, फाइनली यार मैंने अपना वो रूम जो है वो क्रिएट कर लिया है, तो आप लोगों को बस अब दिखाना बाकी रह गया है कि वो कैसा दिखता है। तो प्लीज़ यार, अगर आप लोगों को वो रूम अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो पे 200 लाइक फिर से कंप्लीट करवा देना, जिससे यार मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाली है। सो गाइस, सबसे पहले मैं थर्ड पर्सन से मतलब FPP में आता हूँ आप लोगों के लिए। फाइनली FPP में आ चुका हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर जस्ट अब आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही गाइस अमेजिंग है यार। एंड मुझे नहीं पता यार ये कैसे, मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा, और ये मेरे भाई ने आइडिया पूरा का पूरा मेरे को बना के दिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। मतलब यार पहले रुको यार, बंद करने दो वरना विलेजर्स आ जाते हैं। हाँ, तो ये देख सकते हो, मतलब यार इस जस्ट लुकिंग इन द वेरी, कितनी रिप इंग्लिश मार दी मैंने, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर देख सकते हो क्या ही लग रहा है गाइस, मतलब एकदम पूरा यहाँ पर टॉर्च अप तो लग ही रहा है। इन सबको तो साइड कर देंगे, बाकी आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये क्या, तो इसमें हमारे विलेजर्स फिल आउट होने वाले हैं सबके सब। एंड साथ साथ यहाँ पर साइड में हमने एक मस्त चीज़ पकड़ रखी है, जो कि आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। टैन एंड क्लासी भैन हमारी क्लासी बहन है, जो भाई जो भी विलेजर को अगर कुछ मतलब इलाज करवाना होगा, बस यहाँ पर सिंपल भेजना क्लासी बहन के पास, वो मतलब समझ रहे हो ना, बस जुगाड़ पानी लगा देंगे अब। तो भाई बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे, इसका लुक भी बहुत ज़्यादा मस्त लगा है। यहाँ पर डिज़ाइन भी हमने नीचे भी वेस्टर्न का लुक दिया है, यानी पीछे की सिर्फ ये वॉल रह रही है, जो कि इसको भी हम थोड़ा सा लुक वाइज डालने की कोशिश करेंगे, देखेंगे, क्योंकि यार वेस्टर्न अभी ख़त्म हो रखे हैं मेरे पास, मेरे को फिर से ग्राइंड करना पड़ेगा। तो ये तो हो चुका है हमारा ये सब। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पर जो न्यू है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आप लोगों को अगली गेमिंग एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।